नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। दिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। नगर थाना परिसर में शुक्रवार को शहर के प्रबुद्ध लोगों ने समारोह आयोजित कर निवर्तमान थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी को विदाई दी। इस दरमियान शहर के सभी राजनीतिक दलों के प्रबुद्ध लोग उपस्थित रहे। समारोह के दौरान रामनारायण चौधरी को फूलमाला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर अभिनंदन किया गया, जिसके बाद उपस्थित लोगों ने अपना अपना बुके भेंट किया। इस दौरान गिरडीह में बिताए गए इनके पलों को याद किया गया। निवर्तमान थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने कहा कि हमने 3 साल तक गिरडीह टाउन हॉल में थाना प्रभारी के रूप में कार्य किया और हमने यहां से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में जितने भी धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम हुए, इसमें शहरवासियों का सहयोग मिला, जिसके कारण सभी कार्यक्रम तनाव मुक्त सम्पन्न हुए। उन्होंने कहा कि यहां के सभी जाति समुदाय का पूरा सहयोग मिला। आसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव और वार्ड पार्षद सुमित यादव ने बताया कि RN चौधरी ने थाना प्रभारी के तौर पर शहरी क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था कायम रखी वह काबिले तारीफ है। उनके 3 साल का कार्यकाल अद्भुत रहा, इसे शहरवासी कभी नहीं भूल सकते, और कहा कि इनके कार्यकाल में शहरी क्षेत्र का विधि व्यवस्था चुस्त देखने को मिली। शैलेश कुमार ने बताया कि रामनारायण चौधरी के कार्यकाल में विधि व्यवस्था पूरी तरह से कायम रही, जिसके कारण किसी भी समुदाय का त्यौहार बड़े ही शांति माहौल में संपन्न हुआ। उनके कार्यकाल को शहरवासी कभी नहीं भूल पाएंगे। मौके पर मोहम्मद आजाद खान, मोहम्मद चांद, अबेदुल्ला अंसारी, रॉकी सिंह, अशोक रजक, कमल सिंह, राजकुमार भुइया, नुरुल होदा, महमूद आलम, सालनी बैसाखियार, प्रियंका शर्मा, संगीता बैसाखियार, सोना प्रकाश आदि सैकड़ों प्रबुद्ध लोग उपस्थित रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अजय चौरसिया की खास रिपोर्ट। समारोह में शहर के सभी सम्मानित लोग उपस्थित हुए, बहुत सी महिलाएं उपस्थित हुई और गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के सभी सम्मानित वार्ड पार्षदगण उनके विदाई समारोह में उपस्थित हुए। सभी राजनीतिक दल के लोग यहां आज बड़ा गमगीन माहौल में, मतलब इसको हम खुशी का माहौल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सर के 3 साल के कार्यकाल को हम लोग अपनी आंखों से देखा और ये 3 सालों में चाहे वो रामनवमी का त्यौहार हो, चाहे वो मुहर्रम का त्यौहार हो, या दुर्गा पूजा हो, या होली हो, हर एक त्यौहार को इतना शांतिपूर्वक तरीके से सर ने हम लोगों को मनाने दिया। और जितने भी आपराधिक तत्व के लोग थे, इनके कार्यकाल में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी आपराधिक घटना गिरिडीह शहर में नहीं हुआ और आपसी भाईचारे के साथ गिरिडीह शहर में, चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, सभी आपस में मिलजुल कर रहें, बेहतरीन कार्यकाल इनका रहा और गिरिडीह शहर इनका ऋणी रहेगा। और हम लोग ईश्वर से ये कामना करते हैं कि इसके बाद भी सर जिस जिले में जाएं उतना ही उत्कृष्ट और ईमानदारी पूर्वक इनका कार्यकाल रहे, यही ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं। सर के 2 साल के लगभग 2 साल का कार्यकाल रहा और गिरिडीह शहर में बहुत शांति व्यवस्था रहा और जितने भी त्यौहार रहे सभी तरह का व्यवस्था रहा और हमारी महिलाओं की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और गिरिडीह वासियों की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। आइए सर, आज आपका विदाई समारोह क्या कार्यक्रम है? विगत 3 सालों से हम नगर थाना में थाना प्रभारी के पद पर स्थापित हैं। इस बीच जितने भी त्यौहार आए, जितने भी कार्यक्रम हुए, चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक हो, जो भी कार्यक्रम हुए, मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से, स्थानीय लोगों के सहयोग से शांतिपूर्ण निकाला और यहाँ के लोगों से मुझे काफ़ी स्नेह मिला, काफ़ी लोग कोऑपरेट किए, चाहे किसी भी तबके के लोग हों, किसी भी धर्म समुदाय के लोग हों, सभी ने हमको मदद किया और मैंने हर तरह के पर्व त्यौहार, हर तरह के कार्यक्रम को शांतिपूर्ण निकाला। मैं आशा करता हूँ कि मेरे बाद भी कोई अच्छे पदाधिकारी आएँ जो इस थाना को इसी तरह बरकरार के चलाएँ। धन्यवाद।